गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे नए डायग्राम पर प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके सामने डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसकी हाइट लेंथ विड्थ सबसे पहले जानते हैं, जैसे कि हम हर वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे थे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बाद देखिए इसकी लेंथ कितनी है, थर्टी सिक्स यहाँ दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है। थर्टी हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं लेंथ इसकी कितनी है, थर्टी सिक्स। यहाँ ये आपका जो रेडियस है कितना है, सिक्सटीन, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सिक्सटीन, ठीक है ना। तो अगर ऐड करते हैं तो 36 प्लस 30 मतलब कितना होगा, 66, और 66 प्लस कितना 16, कितना हो जाएगा 662, है ना। और वन कैरी करेगा 7 और 1 8 82, तो लेंथ इसकी कितनी आ जाएगी, 82। इसकी लेंथ कितनी है, 82। ऐड करेंगे 36 प्लस 16, क्योंकि रेडियस यहाँ 16 दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, वो कितनी होगी, 16 होगी, ठीक है। इसके बाद फ्रंट जो हमने यहाँ से माना हुआ है, इसलिए इसको हम लेंथ मानते हैं। साइड भी हम काउंट करेंगे, 11 11 22 और प्लस 18, तो फिर इसकी कितनी हो जाएगी, 40, ठीक है। हाइट कितनी होगी, क्योंकि ये 16 है, तो 16 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा हाइट, 32 हाइट आ जाएगी आपकी, 32, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम आगे देख रहे हैं फ्रंट व्यू का फॉर्मूला, जैसा कि हम हर वीडियो में डिस्कस करते थे, लेंथ इनटू हाइट, साइड व्यू का फॉर्मूला, विड्थ इनटू हाइट, टॉप व्यू का फार्मूला, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। लंबाई गुणे ऊंचाई मतलब 82 मल्टीप्लाई 32, चौड़ाई गुणे ऊंचाई 40 मल्टीप्लाई 32, लंबाई गुणे चौड़ाई 82 मल्टीप्लाई 40। तो ये इतने बाय इतने का आपको इस रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने हैं, जो क्राइटेरिया आपका डिसाइड करेगा कि जिसे इतने के अंदर में ही हमारा डायग्राम बनेगा। अब चूंकि फ्रंट व्यू आपका किस तरफ है, फ्रंट व्यू आपका दाएं तरफ है, ठीक है, तो किधर बनेगा, बाएं तरफ एक्स एक्सिस में और एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। देख सकते हैं हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके सामने बनानी है, ठीक है। तो अब इसमें हम फटाफट से हल्की पतली लाइन का सर डिस्टेंस पे खींचेंगे। याद रखना है ये डार्क लाइन आपकी डार्क रहेगी, ये 10 mm गैप पे आप लाइन खींच रहे हैं, हल्की पतली रेखा से खींचना है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपका बन गया है, तो आप फ्रंट व्यू साइड व्यू टॉप व्यू के बॉक्स लोकेशन के हिसाब से बना लीजिए। दाएं तरफ है तो कहाँ बनेगा, बाएं तरफ बनेगा, तो ये देख सकते हैं हमने बॉक्स बना लिया है फ्रंट व्यू का, कितने बाय कितने बनेगा, 82। और चौड़ाई हाई कितनी है, 32, ठीक है। 82 और 32, इसी तरह से साइड व्यू में देखिए क्या है, 40 42 और 32, 40 है और 32 इसकी हाइट, इसलिए इसको वर्टिकल रखा गया, जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि जो हाइट होती है उसको वर्टिकल रखा जाता है, ठीक है ना। लेंथ को और विड्थ को हम हॉरिजॉन्टली लिखेंगे,
40 यहाँ पे चौड़ाई है और 82 यहाँ पे लंबाई है। इस तरह से इसके तीनों बॉक्स बनेंगे, ठीक है। अब आगे हमने इस चीज को समझा कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, फार्मूला क्या है, कैसे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के उसकी लोकेशन डिसाइड करेंगे। दाएं है तो बाएं तरफ बन जाएगा, उसके बगल में साइड व्यू, फ्रंट व्यू के बगल में साइड व्यू, साइड फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू। इस तरह से हमारी पूरी लोकेशन बन जाएगी। अगले वीडियो में हम इसके जानेंगे कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, हमारा साइड व्यू कैसे बनता है, ठीक है।